नमस्कार, मैं रश्मि मनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु विभाग डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप वास्तु के बारे में ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं और आज भी आप तक ढेरों जानकारियाँ पहुँचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों, आपको बता दूं डॉक्टर सुमित्रा जी नकली आंख बनाने के साथ साथ वास्तु एक्सपर्ट हैं। नकली आंख बनाने में तो एक्सपर्ट हैं ही, इसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट के साथ साथ वास्तु करेक्शन भी करती हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वास्तु में क्या क्या ऐसे दोष उत्पन्न हो रहे हैं जिसके कारण वह बीमार है उसको करेक्ट भी करती हैं। इसके साथ आपको बता दूँ कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु अकेडमी की तरफ से सिटी प्रेजिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो आज भी आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचने वाली है, कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको एक स्पेशल टिप बताई जाएगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक होगी। बाकी जानकारियों के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाते हैं। जैसे कि पिछले कार्यक्रम में आपने बताया था कि किसी भी व्यक्ति की जो परसेंटेज है वो 60 से 100 पर ले जाई जा सकती है उसकी कैपेसिटी। तो एक्चुअली कैपेसिटी है क्या किसी व्यक्ति की, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो व्यक्ति की कैपेसिटी की हम बात करते हैं ये वास्तु के द्वारा जानना संभव नहीं है और कभी भी जन्म पत्रिका के ऊपर हमारा वास्तु नहीं है। पहले जन्म पत्रिका होती है, बाद में वास्तु आता है। तो जब हम किसी की जन्म पत्रिका की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी जन्म पत्रिका कितने कैपेसिटी की है, तो ये हमें सिर्फ जन्म पत्रिका से पता चल सकता है। दूसरी बात, आपने मान लीजिए वास्तु बहुत अच्छा है आपका, लेकिन आपके महादशा और अंतरदशा सही नहीं चल रही। इस समय में अच्छा वास्तु होने के बावजूद वो आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। और मान लीजिए कि आपका बहुत ख़राब समय चल रहा है तो अच्छा वास्तु हेल्प नहीं किया, और मान लीजिए अच्छा समय है तो ख़राब वास्तु भी बहुत ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा मैम। तो यानी कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैपेसिटी के बारे में जान लिया जाए तो वास्तु को ठीक करके हम उसको 100 तक ले जा सकते हैं। तो मैम, हम आपसे आज बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं, इसके साथ ही एक बात सभी जानते हैं कि जो शेर होता है वो जब शिकार करता है तो अपने शिकार का ये जो पॉइंट होता है यहाँ शिकार करता है, क्योंकि उसको पता है ये उसका माइनस पॉइंट है और बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत ही हल्का सा पॉइंट होता है ये, उसको पता होता है उसकी नाजुक नस कह सकते हैं हम इसे कि नाजुक नस होती है। उसी प्रकार से यदि वास्तु पुरुष के इस पॉइंट पर यानी कि इसका उल्लंघन किया जाए, यहाँ पर इस पॉइंट पर वास्तु का उल्लंघन किया जाए तो कैसे इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, हम चाहेंगे आप इस नक्शे के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर, इस नक्शे को अगर आप देखें तो ये व्यक्ति के यहाँ से एक दीवार गई है, ये ब्रह्मस्थान से गई है और ये नीचे तक है। ये जो टी शेप का इसमें एक पहले वॉल है। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि वास्तु पुरुष का सिर इधर है, पैर इस तरफ है और हाथ और दोनों हाथ दो तरफ और ये दोनों घुटने, तो ये बीच वाला हिस्सा ब्रह्मस्थान हो गया। अब इस ब्रह्मस्थान में आप देखिए ये बहुत मेजर मर्म स्थान है, ये सब मर्म स्थान के ऊपर से जब वॉल गई है तो कोई भी दीवार जो यहाँ से गई है अगर आप इसके नीचे इसकी फुटिंग देखते हैं तो ये सारी फुटिंग कम से कम 3 फुट चौड़ी होती है। तो जब ये 3 फुट चौड़ी है तो जो अभी यहाँ आपको इस फोटो में दिख रहा है कि मर्म स्थान बच गया है वो एक्चुअली बचा नहीं है, क्योंकि जब फुटिंग में जाते हैं तो ये सारे मर्म स्थान डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारे डिफेक्टिव होने के चलते इस व्यक्ति को बहुत सारे समस्याएं तो दे रही है, लेकिन जैसा कि अभी आपने मेरे से पूछा तो जब अगर ये वास्तु पुरुष है तो ये इनके गर्दन का हिस्सा है, यहाँ से कैरोटिड आर्टरी जाती है। तो हम जानते हैं कोई भी शेर हो या कोई भी जानवर हो, वो कोई अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जानवर पर अगर अटैक करना चाहता है तो वो उछल के उसके गर्दन की इस नस को पकड़ लेता है और इससे अगर आहत पहुंचाएगा तो तुरंत जानवर मर जाता है। तो इसी जगह पर अगर आप देखें तो इनके यहाँ पे एक दीवार गई हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक दीवार गई है। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि ये दीवार ऊपर से जो छोटी दिख रही है नीचे लेकिन 3 फीट इसका डेप्थ है। तो ये होने की वजह से इस व्यक्ति की या तो फिजिकल मृत्यु भी हो सकती है, अगर ये बिजनेस में है तो इसके बिजनेस की मृत्यु, माने बिजनेस नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर मानिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इसकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो अगर कभी भी हमने अगर कैरोटिड आर्टरी पे कोई भी अगर उल्लंघन किया है तो वो व्यक्ति बच नहीं सकता। वो किस जगह पे उल्लंघन है उस जगह की मृत्यु होगी, उस जगह से रिलेटेड सब्जेक्ट की मृत्यु होगी। इसके अलावा आयुर्वेद में सुश्रुत ने तो 107 मर्म स्थान के बारे में बताया, वास्तु में हम इतने मर्म स्थान की बात नहीं करते, कुछ कम की बात करते हैं। तो 3 तरीके के मर्म स्थान होते हैं, महामर्म होते हैं, कुछ मर्म होते हैं उपमर्म,
और कुछ बेसिक मर्म होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को घर में मैनेज करके करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। प्लस इस व्यक्ति की साउथ ईस्ट एक्सटेंशन होने के कारण इनको नींद भी नहीं आती होगी जी। और वेस्ट में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इसमें इसके चलते इनके चरित्र दोष होने के भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं जी। जी, तो फिर इसका कोई मतलब, जैसे कहते हैं रेमेडी होती है हर चीज़ की, तो इसका क्या इलाज है, कैसे संभव है कि ये अपना जो इनका पॉइंट है, वीक पॉइंट, उसको ठीक कर पाए? देखिए, बहुत ज़्यादा तो इसमें स्कोप नहीं है। ये एक काम कर सकते हैं, अपना सोने का पोजिशन साउथ में ले आएँ, पर सिर साउथ की तरफ रखें। अभी ये पश्चिम की तरफ सिर रख रहे हैं, तो इनको साउथ की तरफ सिर रख के साउथ में सोना चाहिए। कुछ रिजल्ट उससे उनको आएंगे, पर बाकी इसमें और मेजर करेक्शन की ज़रूरत है। जी जी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं प्रकांत जी, जो आपकी समस्या थी उसका समाधान आपको मिल गया होगा। अन्य जानकारियों के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, बहुत सारे जो लोग हैं वो लगातार अपने मैप्स हमें भेज रहे हैं, और हम कार्यक्रम में समय का अभाव होने के कारण ज़्यादातर मैप्स को नहीं उनको बता पाते हैं रीड करके। लेकिन अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स लेकर उनका सॉल्यूशन सभी दर्शकों तक पहुँचाया जाए। तो अगले मैप के बारे में डिस्कस करते हैं। ये केशव जी हैं बॉम्बे से, इन्होंने अपना मैप हमें भेजा है, जैसे कि स्क्रीन पर मैप है, और इनका ये कहना है कि अपनों ने इनको धोखा दिया है। इसके साथ ही मुकदमे के चलते इनका स्विमिंग पूल कैफे बंद हो चुका है। तो आपसे इसका जवाब जानना चाहते हैं, कारण और निवारण दोनों प्राप्त करना चाहते हैं जी। सबसे पहले आप यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इनको इनके रिलेटिव्स ने चीट किया जी, और घाटा भी इनको हो रहा है। इसका कारण ये जो पोजीशन पे जहाँ से इनके मेन एंट्रेंस है, तो ये मेन एंट्रेंस इनको घाटा तो देगा, प्लस अपने जितने भी घनिष्ठ लोग हैं वो इनके साथ धोखा करेंगे। तो ये तो इसी नक्शे में ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस व्यक्ति को पेट की भी समस्या रह सकती है और हार्ट की भी। उसका कारण है कि इन्होंने स्विमिंग पूल हार्ट के एरिया में इन्होंने स्विमिंग पूल बना लिया। अब इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि इन्होंने साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाया है, जो सविता और सावित्र बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं वास्तु चक्र में, उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया टॉयलेट बनाकर। अब अगर पूछा जाए कि इनका ये स्विमिंग पूल वाला काम बंद क्यों हुआ, तो बिल्कुल इस चार्ट से समझ में आता है, इन्होंने अपने मर्म स्थान लोग को पीड़ित किया। ये मर्म स्थान पीड़ित होने की वजह से इसमें दुर्घटना हुई होगी, किसी की मृत्यु हुई होगी इस स्विमिंग पूल में, उसके बाद मुकदमे हुए होंगे और ये बंद हुआ होगा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, लेकिन इसका निवारण क्या हो सकता है? क्या कुछ ऐसा है जो करने के बाद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? हाँ, ये जो बंद हुआ है स्विमिंग पूल कैफे, ये चल जाए वापस? हाँ बिल्कुल। एक तो देखिए, नॉर्थ इनका पूरा बंद है, तो अपॉर्चुनिटी इनके पूरी बंद हो गई है। दूसरा, ये साउथ का एंट्रेंस इजीली शिफ्ट किया जा सकता है। ये दो काम करने से काफ़ी परिवर्तन आ सकता है, और टॉयलेट की जगह शिफ्ट करने से बहुत अच्छी तरीके से चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। फिलहाल समय आ चला है ब्रेक का, तो ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन आपने इनका सॉल्यूशन जो है इनको बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं केशव जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अन्य प्रकार की कोई जिज्ञासा, सवाल या फिर कोई शंका आपके मन में है, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, जिसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। और बाकी के दर्शक कहीं नहीं जाएं, क्योंकि ब्रेक के बाद और भी बहुत कुछ बाकी है, तो जुड़े रहें हमारे साथ और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा, आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, या किसी बीमारी से हैं परेशान, क्या आप संतान सुख से हैं दूर, या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार, तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर, नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तुसुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। तो दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले ढेरों जानकारियां आपने प्राप्त की और अब भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। सभी ने हमें यहां पर मेल किया है, अपने अपने मैप भेजे हैं और सभी के मैप यहां पर वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको बता रहे हैं। तो यदि आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी अपना मैप भेज सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग अभी तक मैप भेज रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगी कि आप हाथ से बना हुआ नक्शा ना भेजें, ऑटो कैड नक्शा भेजें ताकि उसको ठीक से रीड किया जा सके और ठीक से आपको उसका सॉल्यूशन बताया जा सके। कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोई एपिसोड मिस हो गया है तो यूट्यूब पर जाकर फटाफट से फॉलो कर लें वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ, ताकि सारे एपिसोड आप देख पाएं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाए। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले हमने दो मैप डिस्कस किए और लोगों को उनकी समस्या और समाधान दोनों बताया, और जैसे कि अब आप देख पा रही हैं और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि अब ये मैप चेंज हो चुका है और ये जो मैप है ये एमपी से किसी ने भेजा है। उनका नाम हम यहाँ नहीं शेयर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना नाम शेयर करने से मना किया है, तो उनका नाम गुप्त रखने के लिए कहा गया है। और ये पॉलिटिशियन है, इन्होंने एक नया मकान लिया और मकान लेने के बाद जब इलेक्शन हुए तो उसमें ये हार गए और इन्होंने अपनी सीट गंवा दी। अब ये आपसे कारण और निवारण जानना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना मैप हमें भेजा है। तो हम चाहेंगे आप इसको रीड करके उनकी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों बताएं। जी ज़रूर। इनके नॉर्थ से एंट्री है और इधर रास्ता है। अब अगर इसमें देखें तो इन्होंने सीधा नॉर्थ ईस्ट में ही यहाँ पर लिफ्ट बना दी है। जी, ये एक सबसे बड़ी कारण है इनके हार की। दूसरी बात, ब्रह्म स्थान है ये, और ब्रह्मस्थान के ठीक नीचे ही विवस्वान का जगह होता है और विवस्वान बहुत ज़रूरी है अगर हमको कमांडिंग पावर चाहिए। तो इसी विवस्वान वाले जगह में, एक्चुअली विवस्वान कौन है, ये द्वादश आदित्य हैं और ये विश्वकर्मा के ससुर भी हैं। अगर हमने इनके साथ कोई उल्लंघन कर दिया तो ये बहुत मुश्किल है कि हमारा पद रहेगा। तो मेरे ख्याल से दूसरे इनके और बाकी घरों के मैप हमारे पास नहीं है, पर हमेशा कोई भी व्यक्ति के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी को देखना बहुत ज़रूरी है। हर प्रॉपर्टी अपने प्लस और माइनस रिजल्ट देती है। तो इन्होंने इस प्रॉपर्टी को मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले खरीदी होगी, तो मोटा मोटी रिजल्ट आने में 6-8 महीना समय लग जाता है। तो इसने इमीडिएट अपना रिजल्ट दे दिया। उसके चलते क्या हुआ है कि ये हिस्सा डिस्टर्ब होने के चलते इन्होंने ये सीट को खो दी। हमें ये समझना पड़ेगा, हम काफ़ी बार वास्तु जब करते, देखिए इन्होंने स्क्वायर प्लॉट लिया और सोचा होगा कि इस पर कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आमतौर पर वास्तुशास्त्री गलतियाँ करते हैं। और यहाँ पे हमने देख लिया कि मर्मस्थान तो बच गया, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ से जितनी भी दीवारें गई हैं अगर आप नीचे जाएँ तो उनके फाउंडेशंस चौड़े होते हैं, फुटिंग ज़्यादा होती है, 3 फुट जैसा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमको जो ऊपर से दिख रहा है कि ब्रह्मस्थान बचा हुआ है, वो एक्चुअली बचा हुआ होता नहीं है। इसके वजह से इनका धीरे धीरे कमांड कम होता चला गया, इनके अपने ही लोग इनका साथ नहीं दिए, तभी इन्होंने जीत को हासिल नहीं की। तो फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है, किसी तरीके से क्या वो अपने पद को वापस पा सकते हैं? ये अगर उनका खुद का प्लॉट लेके बनाया हुआ है तो हम कई बार इसमें से प्लॉट एरिया को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहीं से हम प्लॉट को छोटा कर देते हैं या पास की एक और प्लॉट खरीद लेते हैं, वैसे करके इसको करेक्शन करना पॉसिबल तो है ही। जी, तो उसके लिए तो एक बार ज़रूर इन्हें आपसे आकर मिलना पड़ेगा, क्योंकि विस्तारपूर्वक जानकारियाँ देना संभव नहीं हो पाता है कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, और जैसे कि आपने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था तो हमने आपका नाम किसी के साथ डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन आप समझ गए होंगे ये मैप आपके ही घर का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते थे वह आपको प्राप्त हो गई हैं। आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप एक बार ज़रूर आकर अपॉइंटमेंट लेकर व्यक्तिगत रूप से मिल लें, ताकि विस्तारपूर्वक सारी जानकारियाँ भी आपको प्राप्त हो जाए और आप उसका सॉल्यूशन भी जान पाएं, जिसके लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और बाकी के जातकों को एक बार फिर से बता दूं, सभी दर्शकों को एक बार याद दिला दूं कि कोई एपिसोड आपका मिस हो गया है तो जाकर यूट्यूब पर वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि सारी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। इसके साथ ही आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैम, आप बार बार ब्रह्म स्थान का नाम ले रही हैं और ब्रह्म स्थान सबको पता है घर में होता है। तो जो ब्रह्म स्थान है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देव हैं जिनके नाम देखे जाते हैं। एक सृष्टि के रचयिता हैं, एक सृष्टि को चलाते हैं और एक संहार करते हैं, जैसे कि मृत्यु के देवता, तीनों लोगों के देवता, देवों के देव महादेव होते हैं। तो ये जो ब्रह्मा है, ये क्या वही ब्रह्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश है या कोई और है? अच्छा सवाल पूछा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। ब्रह्मा तो एक ही है, क्रिएटर है, उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगी। ब्रह्मा जी को क्रिएशन का काम दिया गया, तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से सबको जन्म दिया, पर जब उनको भौतिक आकार देना था तो उन्हें
एक ही फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना पड़ा, उनके स्पीड को कम करना पड़ा। जब तक ये स्पीड 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से नीचे नहीं आती, उसको भौतिक स्वरूप नहीं मिल सकता। तो सब समय कोई भी चीज़ है जिसको लौकिक रूप लेना है, उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर आवर के नीचे होनी ही पड़ेगी। तो ये वास्तु पुरुष बोलिए या घटोत्कच बोलिए, इन सब की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए लौकिक वर्ल्ड में पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। तो हमने इसे पहले भी कथा में आपको बताया कि सब देवताओं ने मिलकर वास्तु पुरुष को जमीन में औंधे मुँह गाड़ दिया। तो गाड़ने से उद्देश्य क्या था कि इसकी स्पीड को कम करना, तो स्पीड कम की गई। अब आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो सबसे ज़्यादा जगह लेता है, तो ब्रह्मा जी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, क्रिएटर थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जगह ले ली। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने वो जगह ले ली, तो अलग अलग जगह के अगर वास्तु करें, मंदिर की बताएं या घरों की बताएं या फैक्ट्री की बताएं, तो सबके डिविजन्स अलग है, 81 पद भी हैं, 100 पद भी हैं, तो हर एक में परसेंटेज ऑफ एरिया जो ब्रह्मा जी ले रखें वो बहुत अलग है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, हम जानते हैं कि हमारे जन्म लेने के लिए हम योनि जय व्यक्ति हैं, मतलब हमारे जन्म के लिए पुरुष और स्त्री का होना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अयोनिजा है, मतलब उनको जन्म लेने के लिए पुरुष स्त्री की आवश्यकता नहीं है, जैसे एमीबा बैक्टीरिया, ये एक से एक पैदा होते चले जाते हैं। तो जब वो अयोनिजा हैं तो उनके लिए बहुत सारा क्षेत्र खुल जाता है, मतलब उनकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती, उनके कार्य करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और हम क्योंकि हम योनिजा हैं तो हमारी सीमित कैपेसिटी भी होती है और प्लस हमारी आयु भी कम होती है। तो ये ब्रह्मा जी ने अलग अलग तरीके से लोगों को क्रिएट किया, तो हर क्रिएशन के फॉर्मूले अलग हैं। तो एक ही क्रिएटर है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में जब तीनों के डोमेन डिसाइडेड थे कि ब्रह्मा जी क्रिएट करेंगे, विष्णु जी अलग काम करेंगे, महेश अलग काम करेंगे, तो ब्रह्मा जी की जब हम बात करते हैं वास्तु पुरुष में, तो ये वही ब्रह्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि लोगों के मन में ना सवाल आ जाता है कि वह ब्रह्मा जी तो क्रिएटर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो क्या ये घर का ब्रह्म स्थान ब्रह्मा जी ही हैं या कोई और है। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया कि वह वही ब्रह्मा जी हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी किस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं ये तो आप उनको बता ही रही हैं। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई परेशानी है तो ज़रूर संपर्क करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप भी अपना मैप हमें भेज सकते हैं और अपना मैप भेजने के बाद अपने घर में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसका कारण और निवारण दोनों कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप जब भी मैप हमें भेजें तो हाथ से बना हुआ नहीं भेजें, जो नक्शा आप हमें भेजते हैं वो ऑटो कैड ही भेजें ताकि उसको ठीक से रीड किया जा सके और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक प्रकार से बताया जा सके। और बाकी के दर्शकों को बता दूं कि आप भी अभी जाएं और फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर लें, अभी जाकर फटाफट से फॉलो कर लें वास्तु विभाग डॉक्टर सुमित्रा के साथ, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, समय का अभाव है, जानकारियाँ बहुत ले ली आज, 3 मैप्स पर डिस्कशन भी हो गया है और लोगों को बता भी दिया है कि उनकी प्रॉब्लम का कारण और निवारण है क्या। समय आ चला है आज के टिप्स का, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आज के टिप्स बता दें। चलिए, जब ब्रह्मस्थान की बात हुई तो ब्रह्मस्थान से रिलेटेड ही एक टिप्स बता देती हूँ। काफ़ी लोगों से मैंने सुना, आपने बहुत सारे किताबों में ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, ब्रह्मस्थान में एक तुलसी का पौधा लगा दो जी ब्रह्मस्थान ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है, ब्रह्मस्थान एक पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, घर का सेंटर खोजते हैं, वहाँ हम एक तुलसी का पौधा लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तुलसी के पौधा लगाने से ब्रह्मस्थान की शुद्धि हो गई या वहाँ के दोष कट जाते हैं, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल, तो वैसे तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि घर के आंगन के अंदर तुलसी का पौधा होता है और ये कहा भी जाता है कि तुलसी का पौधा यदि वहाँ लगा दिया जाए, रोज़ पूजा पाठ की जाए, तो घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। तो जिनके घर में यानी कि तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वास्तु दोष उसके कारण भी है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मस्थान से रिलेटेड 30-35 नियम हैं, इन सबको जब फॉलो करेंगे तब वहाँ के दोष का निवारण होगा, सिर्फ एक से नहीं होगा जी। यानी कि जानकारियाँ पूर्ण रूप से होना जरूरी है, जानकारियों के अभाव में तो नुकसान ही होता है। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन आप आई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।